इतना बड़ा नाम? तो इनका पेट नहीं मैं बोलने मत हूँ क्या? नहीं नहीं रात हो जाएगी। ये डायरेक्टर मैं एक्टर स्टार स्टार सुपर स्टार इनके बदौलत सुपर स्टार। वो क्या है ना मेरे को ना अच्छा नहीं लगता खुद को ऐसे बूस्ट करना, बट यू कैन कॉल मी एसपी स्टाइलिंग शिफ्ट प्रभाकर। आए वाओ वाओ। तो आप लोग वैसे यहाँ क्या कर रहे हैं? हम लोग यहाँ शूट करने आए। यू मिस्टर रंजीत सिडवानी द प्रोड्यूसर। अयो देवा माय सन। हाँ मेरा बेटा, ये भी सुपरस्टार है मेरी फिल्मों में। सुपरस्टार? हाँ बेटा पैर छू। वाओ व्हाट अ कल्चर। वेरी बैड कल्चर। I'm good guys. Me superstar, he superstar, superstar meeting for the first time. He will make you mega star, I swear. Yes, yes. My son, my son. We met your nephew, wo ladka. What a talented guy, we remember? Wo bola hamare ko aapke bare mein. Veer bhaiya. What a talented. Veer to mera bhanja hai. अरे मेरे भांजे के दोस्त मतलब मेरे दोस्त यार। अरे रॉकी गले मिलो यार। ग्लैड टू मीट यू ब्रो, ग्लैड टू मीट यू। आप मिले वीर भैया से? कैसे हैं वो, कहाँ पे हैं? वो ठीक तो है ना? प्लीज कुछ बोलो तो सही। यो देवा सेम सेम, हम उनसे एक ही बार मिले बट व्हाट अ सॉलिड गाय है ना, व्हाट अ स्टंट मैन। भाई साहब उसका नंबर है क्या, आप कॉल करके बुला लेते हैं? नो डियर, नंबर इज नॉट हियर। Why will I take his number? वो कहीं इंटीरियर में शूट करता है। I don't know. Chimpanzee brothers. अबे तुम्हें क्या पता? वो यही घूम रहा है। कोई नहीं। अगर मिले ना दोबारा तो आप उसको बोलना, हम उसको बहुत याद करते हैं। हाँ 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 बिल्कुल। बहुत ज़्यादा। इसको क्या हुआ है? ये मुझे मिस कर रहा है। फ्रंट पेज पे न्यूज़ आ जाएगी ये तो। चले? हाँ चलते हैं। ओके नाइस मीटिंग है। नाइस मीटिंग यू गाइस। यू गाइस बाय बाय सेम गर्ल्स। क्या हो गया अब? ये ना ये मुझे बहुत देखे देखे से लग रहे, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ये आप ही वीर। यार फेमस डायरेक्टर, यू आर वेरी फेमस डायरेक्टर, इसलिए आपको लग रहा होगा देखे देखे से लग रहे हैं। और इमोशनल अटैचमेंट भी यू नो। भैया आपने वो पिंक पैंट ब्लैक शर्ट किसी को देखा है ऐसा? नहीं, पिंक शर्ट ब्लैक पैंट्स और टैटूज। हाँ मैंने नहीं देखा। ओके थैंक्स। थैंक्स। फोकस कहाँ है? फोकस का क्या करूँ मैं? हाँ। कितनी बार बोला है चश्मा उतारो। हाँ वैसे भी ये वीर तो हो ही नहीं सकता, वीर को तो मैं अच्छे से जानता हूँ। अरे वीर की आवाज तो मैं दूर से पहचान लूँ। तुझे अपनी आवाज बदलनी पड़ेगी। और अगर उसने अपनी आवाज बदली भी तो भी मैं उसकी आवाज पहचान लेता हूँ। बचपन में बहुत करता था, मैं पकड़ लेता था उसको। अरे ये मामा है शेरलॉक होम्स। पर डैड इन्होंने तो अभी तो कुछ बोला ही नहीं ना। हाँ जी भाई साहब, नो शेव नवंबर, कुछ बोल के दिखाना जरा। कैसे बोलेगा, कैसे बोलेगा? हम तो मुंह से ही बोलते हैं। आना लवरेल्ला है बट ही डजंट। हाँ तो ये कहाँ से बोलते फिर? ये बोल नहीं सकते, he can't speak। I'm so sorry यार। अब take care, can't speak। चलिए भाई साहब। अरे डॉक्टर से दवाई खिलवा दो ना। बोल नहीं सकते? डैड अब क्या हुआ? एक थॉट आया कि ये अगर बोल नहीं सकते तो ये डायरेक्ट कैसे करते?
मतलब एक्शन कट कैसे बोलते हैं ये? नहीं वो मतलब ऐसे इट इज फैंटास्टिक, मैं वेरी क्यूरियस. You know what? I am tired of giving the same answer. Many people have asked me the same question. If he can't speak, how will he direct? ठीक है. Sorry, आप लोगों को disturb कर रहा हूँ बार-बार आके. हम लोग भी ना डॉक्टर संजू से बात कर सकते हैं. Sweet girl, very sweet girl. ए बाबा, I'm sorry. थोड़ा एक बार repeat करेंगे आप? Please, just for a synonym. क्या बोलूँ मैं? Very talented. I know. Very, very talented. Multi-talented. बोलते कैसे? ये सिर्फ खाली direction थोड़ी ना करते हैं. Music direction, music composing, sound recording, freestyle artist. अन्ना, remember? न्यूयॉर्क में पढ़ाई किया था ना, वो क्या किया था? क्या किया था? Creative communication there ना, you don't have to speak. मैं बोलना नहीं होता, rhythm. Rhythm में बातें होती हैं. He can do that, huh? Rhythm? Yes. मतलब कैसे? मुझे ना यही कोर्स करना है न्यूयॉर्क से, प्लीज. अरे देख तू रे क्या कर रहे हैं, वैसे भी तू तो बोलता है ना. अन्ना, शो देम योर टैलेंट ना, कम ऑन, शो देम. कम ऑन अन्ना. She is doing that creative communication. Okay. ये में क्या बोला? I am really sorry. I will translate now. Anna, you have to show them more. है ना? अभी इनका काम बना नहीं है. Do it again. Now I will translate. Start. Anna on the floor. Anna says हम इधर आया क्योंकि हमको बताया यहाँ पे aliens आया. रक्षा मंडल भी आया. हाँ. हाँ, उसने तुमको मारा, शहर को दबाया, फिर तुम्हारा टाइम आया, तुमने उनको भगाया, सबको बचाया. अन्ना सेज यो, अन्ना सेज यो, अन्ना सुपर. दिस इज कॉल्ड क्रिएटिव कम्युनिकेशन. वाह, टू गुड, मजा आ गया. वाह, क्या बात है. देखो अभी नहीं रात है, तुम तो हमारी फैमिली हो, बिंदु इनकी खातिरदारी कराओ. सॉरी बिंदु डार्लिंग, मतलब इनकी खातिरदारी नहीं करोगी? कम मीट माय वाइफ, माय ब्यूटीफुल. Have something. Sweet, very sweet. जो कुछ भी बन पड़ा हमसे लीजिए ना, please. कैसे दिन आगे हैं ना आजकल. पहले हम रैट्स के लिए चिप्स के पैकेट छोड़ दिया करते थे पार्टी के लिए, लेकिन अब ना तो चिप्स खाने को मिलते हैं और ना ही सैंडविच. हाँ लेकिन ये तो बिस्किट है ना, बिस्किट खाइए. और बिस्किट्स तो इतने महंगे हो गए जैसे वो महंगी वाली काजू कतली. अरे आप लोग तो खा ही नहीं रहे, फॉर्मेलिटी कर रहे हैं आप लोग. नो अन्ना, वी आर फाइन, स्टमक इज फुल. ये बहुत स्वाद है. अब पता है, बट स्टमक इज फुल, क्या कर सकते. क्या
प्लानिंग क्या है? मतलब आप तो यहाँ इंस्पायर होने आए थे ना, तो प्लान अन्ना सेज यो पहले चिल्लैक्स थोड़ा रिलैक्स। करेक्ट बोले आप लोग, हम भी बहुत स्ट्रेस पे हैं, हमें भी रिलैक्स होना है। बहुत टैलेंटेड हो यार। नो थैंक यू। बैठो। अरे तुम क्यों खड़ी हुई हो, थक गई होगी ना, आओ बैठो। कम ऑन सिस्टर्स। बहुत ख्याल रखता बहनों का। आ करो। आ और आ, बड़ा बड़ा। दैट्स माय गर्ल। आकर नहीं, खा लो, आवाज वापस आ जाएगी, आप पता नहीं। मामा आप एक सेकंड आना, बात करनी है। हाँ अभी बैक गए थे। वेरी नॉटी गया। सब जानता हूं मैं, सब समझता हूं। अन्ना क्या जानते हो तुम ना? तुम पेट भर के खाते हो लेकिन तुम्हें पेट चढ़ता ही नहीं है। और न्यूयॉर्क में कोर्स करके आए ना हो तुम, क्या फास्ट मेटाबॉलिज्म का? अन्ना सेज यो मामो इज कूल लाइक अ स्विमिंग पूल। अब रूम जाके देखे, नींद रखे, सपने सीखे। व्हाट पोएट्री, व्हाट जीनियस पोएट्री। फिर भी हीरो सबकी नजरों में वो वीर है। एक मिनट, वो वीर हीरो है। तभी तो बोल रहा हूँ मम्मा, उस स्वीटी से थोड़ा ज्यादा स्वीट और उस मीठी से थोड़ा ज्यादा मीठा बन के रहो, तभी तो पकड़ पाएंगे ना वीर को। कभी ना कभी तो पता लगाने आएगा ना उन दोनों का। आपको आइडिया नहीं है ये रिंग मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है माँ। एक बार रिंग मेरे हाथ आ गई ना, तू बन जाएगा किंग, है ना? आप ना बेस्ट हो मॉम, सब समझ जाते हो आप। आपकी मॉम किसकी है? मेरी। ये मिस्टर एसपी, ऐसा कितने दिन चलेगा, हम नहीं संभाल पाएंगे इसे ज्यादा दिन। एक तो ये दाढ़ी दबा के मेरे मुंह में दर्द होने लगा, बीट बॉक्सिंग करते करते तो। डिसेप्शन ब्रो, डिसेप्शन। देख सब करना पड़ता है, इम्प्रोवाइज करना, नया सोच। कैसे क्या करूं? ओ बाबा, तुम तो बोल नहीं सकते ना, तो इस एस्पायरिंग एक्टर के कान में क्या फुसफुसा रहे हो? क्रेजी ब्रदर, क्रेजी। आप क्यूरियोसिटी देख रहे हो? पापा इनके शेरलॉक होम्स और बेटा ब्योमकेश बख्शी। बाला वाज सेइंग नथिंग, ही वाज जस्ट क्लियरिंग आउट द ब्लॉकेजेस फ्रॉम माय इयर्स, दैट्स इट। ऐसे फूंक मार के उड़ मत जाना बेटा। कोई नहीं, ट्राई करते रहो, चलो जाओ यहां से। ऑडिशन ब्रो, वी आर ऑलरेडी अ सुपरस्टार, वी डोंट नीड टू गिव ऑडिशंस। अबे रिंग मिले तो लेके जाऊं रिंग में शुक्राचार्य के पास, टाइम पास कर रहा हूं मैं आप इन सब के साथ। कोई नहीं, मिल जाएगी। महादेव के चरणों में मेरा प्रणाम। बहुत कठिनाइयों के बाद आपको पाया है, अपने भक्त पर अपनी कृपा दृष्टि अवश्य करें। लगता है मन में बहुत से प्रश्न हैं, एक प्रश्न पूछ लो, यही मेरा वरदान होगा। बस एक प्रश्न, हीरो कौन है या हीरो के साथ वो सहायक कौन है?
में हीरो का पता लगा सकता हूँ और उसकी सहायता करने वाले का भी, परंतु ये अवसर फिर नहीं मिलेगा ये जानने का कि अंगूठी के साथ जुड़ जाने के बाद उसे कैसे मारा जाए। प्रभु, आप तो सर्वज्ञानी हैं, आप तो जानते हैं कि मेरा धर्म है असुर जाति का कल्याण, और मैं किसी भी हाल में उन्हें विजय दिलाना चाहता हूं। कृपया आप मुझे मार्ग दिखाएं, असुर जाति के शत्रु हीरो को कैसे मारा जाए ताकि वो अंगूठी हमें मिले। हीरो और अंगूठी एक हृदय और उसकी कंपन समान है। हीरो ने वो अंगूठी अत्यंत परिश्रम, संयम और जन कल्याण की अटूट भावना के कारण प्राप्त की है। कंपन हृदय को कभी नहीं छोड़ती, उसी प्रकार अंगूठी धारक को स्वयं नहीं त्याग सकती। ये भाग्य का लेखा है, परंतु हर जंतु जो इस ब्रह्मांड का हिस्सा है अपना प्रारब्ध स्वयं निर्धारित करता है, स्वयं अपना भाग्य लिखता है। अपने कर्म द्वारा, एकमात्र कर्म ही इस जीवन में हर योजना का सार है। मृत्यु इस जीवन का सत्य है, परम सत्य है, परंतु एक और सत्य है, मेरा होना। मैं ही हृदय हूं, मैं ही कंपन हूं, मैं सब हूं, और बाकी सब मेरा ही स्वरूप है। मेरे भीतर से उत्पन्न अनेकों कण मैं ही देता हूं स्वयं से निकालकर, चाहे वो अंगूठी हो या हृदय की कंपन, सब मेरा ही स्वरूप है। वो बालक उस अंगूठी का स्वामी है, उसका हृदय उसकी कंपन का स्वामी, उसकी आत्मा उसके शरीर की स्वामिनी है, और स्वामी को तजना होता है, अर्थात स्वामी को त्याग करना होगा। त्याग, परंतु त्याग की परिभाषा में छल नहीं होता, सहमति होती है, अर्थात स्वामी को सहमति से त्याग करना होगा। हर युग में स्वरूप बदलते हैं, परंतु मैं नहीं बदलता, और मेरे ऊपर भक्तों की आस्था नहीं बदलती। जैसे तुम मुझे अब तक पूछते आए हो, उसी पूजन में उत्तर निहित है। असुरों के लिए अंगूठी का स्वामित्व उनकी इच्छा मात्र है, परंतु असुरों के प्रारब्ध में है बलिदान, केवल बलिदान। एक्चुअली हम कब से ढूंढ रहे थे, अपने दोस्त को मिल ही नहीं रहा है। थैंक यू सो मच, आपने हेल्प की। आइए आप आराम से चेक कर लीजिए। थैंक यू, थैंक यू। जूम जूम करो। हाँ, अरे एक लगना। अरे पलट पलट। अरे यार देखो वहां भी। हाँ ये कौन है यार ये शाना? जो भी कैमरा में हम देख रहे हैं उसकी फुल इमेज नहीं देख पा रही। एक आइडिया है। बहनों जी बहनों, मेरी प्यारी बहनों, क्या चल नहीं रहा क्या?
नॉट अ प्रॉब्लम। कोई नहीं, अब सही है, अब लग रहा है ना रूम जैसा। हमने अपने गेस्ट के सेफ्टी के लिए हमने एक सिस्टम बनाया है सो दैट हम अपना उनका फोटो आईडीज और उनका एड्रेस फोन नंबर वी आर कलेक्टिंग फॉर द सेफ्टी ऑफ आवर गेस्ट इन द रिसॉर्ट। ठीक है ना, कौन सा अपनी आईडी और फोटो असली होने वाली है। मुझे ना गट फीलिंग है वो इंसान वीर की हेल्प कर रहा है और वो लोग यही कहीं है आसपास। वी हैव गॉट टू बी वेरी केयरफुल। ढूंढ लेंगे, लेकिन सबसे पहले ना टैटू वाले को ढूंढना है। राइट। एक्सक्यूज मी, ये बहुत अच्छा आइडिया है आईडी कार्ड बनाने का। वीर मैं जानती हूँ तुम यही गई हो, प्लीज सामने आओ ना। हीरो, थैंक यू। है तुमने बताया नहीं, कुछ चल ही नहीं रहा था रूम में, बता दिया करो ना। क्या बात है रॉकी भाई, ये सब कैसे किया आपने? अपनी छोटी बहनों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ मैं। I love you guys, okay? खुश तो हो ना? हाँ जी। आप मम्मी, अब स्वीटी मीठी मेरी बच्ची, मैंने बहुत परेशान किया है ना तुम लोगों को, प्लीज मुझे माफ कर दो, से बहुत बड़ी गलती हुई है, मेरे रॉकी ने आज मेरी आंखें खोल दी है, अब से हम एक नई शुरुआत करेंगे, ठीक है? मामी और रॉकी भाई, इन सबको धुएं का असर हो रहा है क्या? अचानक बदल गए। तुम दोनों खड़े क्यों हो? बैठो बैठो बैठ जाओ। अच्छा अब एक प्रॉमिस करो मुझे, अगर वीर से बात होगी तो बताना जरूर, हम सब एक फैमिली की तरह हैं। ओके, पता है कितनी याद आती है वीर की अपने भाई की। हाँ भाई, हम भी बहुत मिस करते हैं उनको। आप चलो गर्ल्स, कॉफी पीने चलते हैं, आ जाओ चलो।
बाप ने ना थाली में रिंग सजा के बेटे को दे दी है। कोई नहीं बेटा रॉकी, अब ना उस थाली को छीनने का टाइम आ गया है, बस एक बार वीर मिल जाए। तो ये फोटो ठीक से ली नहीं है, कौन है ये? ज़ारा, पीछे लो, टैटू। ओह यस, नाम शिव प्रभाकर, साउथ इंडियन एक्टर। ऐसा कोई साउथ इंडियन एक्टर है ही नहीं। स्ट्रगलर होगा, इसका कोई काम रिलीज नहीं हुआ होगा, या फिर हो सकता है डिस्गाइज में हो। क्या हो गया? अन्ना सेज यो, अन्ना सेज यो, बहुत वियर्ड है बंदा, लगता है ठंड, अपनी सिस्टर्स को बना रहा है अंडा। ओ हेलो, नहीं बोलना क्या चाह रहे तू है? तू अपनी सिस्टर से करता है कितना प्यार, देख के निकले आशु बेशुमार। कोई नहीं, तुम दोनों को पता नहीं है, वो मेरे ना सब कुछ है। अन्ना सेज यो, अन्ना सेज यो, लगती है सैड दोनों तेरी बहने, किसी ने पूछा क्या खाया क्या पहने, बहुत दुख हुआ उन्होंने कितना कुछ खोया, बस हो गया रे, नहीं आता है। मैं 2-3 महीने अर्थ से क्या गया, ऐसे नमूने पैदा हो गए हैं। देखो गाइस, थोड़ा चिल है, वो क्या है ना कि मम्मी और उनके बीच में प्रॉब्लम्स थी पहले, लेकिन अब मैं आ गया हूं ना, सॉल्व कर दूंगा। हम सब ना एक फैमिली की तरह है। कोई नहीं, तुम अपनी ड्रामा कंपनी चालू रखो, ओके? या कान में कुछ को आवाज आएगी। या बेटे लाल, लगता है बंदा सच में बदल गया है। बेटे ये जो था ना वो एनजी टेक था, क्योंकि कुत्ते की पूंछ सीधी हो सकती है पर रॉकी का बच्चा कभी सीधा नहीं हो सकता। मतलब? अरे सरकैज़्म यार, तुझसे ही तो सीखा है। ये रॉकी जब भी अच्छा सोचता है ना तो उसमें उसका ही फायदा होता है। नजर रखनी पड़ेगी, तुझसे तो सीखा है, दुश्मन किसी भी भेष में आ सकता है। राइट? वाह मेडल, आई एम इंप्रेस्ड। बस बाबा, अभी मेरा झपड़ा हिल गया है ये बीट बॉक्सिंग कर करके। लेकिन ब्रो करना तो पड़ेगा। नहीं, आज से मौन व्रत शुरू। हीरो ने वो अंगूठी अत्यंत परिश्रम, संयम और जन कल्याण की अटूट भावना के कारण प्राप्त की है, परंतु हर जंतु जो इस ब्रह्मांड का हिस्सा है अपना प्रारब्ध स्वयं निर्धारित करता है, स्वयं अपना भाग्य लिखता है अपने कर्म द्वारा। महादेव कहना क्या चाहते थे, अब इसका उत्तर मुझे कहां से मिलेगा? और एक परम सत्य है, मेरा होना, मैं ही हृदय हूं और मैं ही कंपन, मैं ही हूं और मेरा स्वरूप, मेरे भीतर जन्मे अनेकों कण, मैं ही देता हूं स्वयं से निकाल कर, अब चाहे वो अंगूठी हो या हृदय की कंपन या फिर मेरा स्वरूप, वो बालक वो ही अंगूठी का स्वामी है, अर्थात मैं वो अंगूठी नहीं ले सकता। स्वामी को तजना होता है, त्याग करना पड़ता है। त्याग।
त्याग की परिभाषा में छल नहीं, सहमति होती है। स्वामी को सहमति से त्यागना होगा, अर्थात हीरो को वो अंगूठी त्याग करनी होगी। हर जंतु जो ब्रह्मांड का हिस्सा है, उसे अपना प्रारब्ध स्वयं निर्धारित करना पड़ता है, अपना भाग्य खुद लिखना पड़ता है अपने कर्म से। कर्म ही हर योजना का सार है, परंतु एक समय सीमा होनी चाहिए जब भाग्य बदल सकता है। हीरो को अंगूठी त्यागनी होगी, और त्याग के पश्चात एक समय सीमा होनी चाहिए जहां सब कुछ बदल सकता है। कर्म किया जा सकता है, परंतु वो समय सीमा क्या है? हर युग में स्वरूप बदलते हैं, परंतु मैं नहीं बदलता, और मेरे ऊपर भक्तों की आस्था नहीं बदलती। जैसे तुम मुझे अब तक पूजते आए, उसी पूजन में उत्तर निहित है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपके पांच रूप हैं, इसलिए आपके मंत्र को पंच अक्षरी भी माना गया है, और इस शब्द का सृजन हुआ था पांच अक्षरों से। नमः शिवाय। मृत्यु के निर्धारित पांच क्षण, यही समय है हीरो को मारने का, और यही सार है महादेव के उत्तर का। हाँ, कुछ न कुछ क्लू तो मिल ही जाएगा। आ जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, एक बार मिल जाए ये वीर, छोड़ूंगी नहीं उसे। ऐसा कोई करता है क्या? हीरो कहीं का। हीर की परफ्यूम की खुशबू, हेलो, यस सर, मैनेजर, नहीं क्या घटिया सर्विस आपकी यार, टॉवल नहीं है रूम में? सॉरी सर, भिजवाता हूँ। नहीं, इतने छोटे रूम में मैं रुकता नहीं हूँ। क्या, गो गेट इट। सॉरी सर। लूजर्स। वापस बुला लिया। तुम तक पहुंचने के लिए हम स्वयं आएंगे, इतने बड़े नहीं हुए हो तुम। समझ रहा ना मैं क्या बोलूं? ब्रो सीरियसली, अब तू बोलेगा भी नहीं, अब इसकी क्या डिकोडिंग करूं मैं? The room is very amazing, है? अयो रामा, तुम क्या करती मेरे रूम में? हाँ, चोरी, I don't think खेलती, चोरी, चोरी करती, चोरी करती मेरे रूम में, चोर, चोर, चोर मेरे रूम में, चोर, 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 security, security, अयो रामा, क्या हुआ? एक और चोर, अयो रामा, brother, 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 तुम यहाँ क्या करती? तुम यहाँ क्या करती? नहीं गुरुदेव, अरे आप इतने सीरियस क्यों हो रहे हैं? अरे अर्थ में मैं पूरी प्लानिंग करके बैठा हुआ था, और आपने मुझे यहां बुला लिया।
समय नहीं है हमारे पास अनाग्रह बातों के लिए। इसमें हिस्सा लें हम, यदि ऐसा हुआ तो तीनों लोगों को हिला देंगे, फिर भी नहीं रुकेंगे अब। इसलिए ध्यान से सुनो, महादेव तक पहुंचने के लिए हमने तप किया और बहुत कठिनाइयों के बाद हमें पता चला कि उस हीरो से वो अंगूठी कैसे प्राप्त की जाए और उसका अंत कैसे किया जाए। हमारे पास एक योजना है, परंतु उसके लिए ये जानना आवश्यक है कि हीरो है कौन। कौन है वो हीरो? अरे मेरे बाप, आइयो रामा चुप हो जा दो मिनट के लिए। देख भाई गलती जा, पल्लो कहीं और जा रहे थे, इधर पे आ गए। देख ब्रदर, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? Who are you? अरे ब्रदर, you and me ब्रदर ना। आयो प्रभाकर। No, Antu, Bantu। Bantu? आयो रामा, security, अन्ना। अन्ना, अन्ना is very stressed। इससे पहले कि शिव प्रभाकर गुस्सा है। Get out। अरे मेरे डोसा, मेरे मेनू बड़ा, रुक जा। सुन भाई, देखा है भाई, इसको दवाई दे दो भाई, चलो। Security। No security। Get out। I said get out। अरे बाबा, अरे रामा, what happened to her? अभी तक तो ये ठीक थी ना? You are his crime partner, tell me क्या? मुझे नहीं पता। ना तुमसे पहले कोई ये जान पाया कि हीरो है कौन। तुम सब असमर्थ हो, दुर्बल हो। मुझे पता है कि हीरो कौन है। गुरुदेव हीरो और कोई नहीं है, अमल नंदा का बेटा वीर नंदा है। अन्ना लड़की भी हो यार, तुमको खाना खाना है, इसको खाना खिलाना है। अन्ना मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। जारा को हेजलनट से एलर्जी है, इसने हेजलनट खा लिया होगा, इसे एपीपिन का इंजेक्शन लगवाना होगा। जल्दी जाने के अंटू। हाँ बच्ची लेकर आ। कहाँ चले गए थे वीर? कितना मिस किया, कितना ढूंढा। तुम्हें पता भी है कितना परेशान थे हम सब। क्यों चले गए थे? कहीं नहीं मिले हमें, ऐसे कार्टून की तरह घूम रहे हो। Thank you.
ठीक है, मैंने पूरी होप खो दी थी, लेकिन लारा ने ना तुझे हमेशा अलाइव रखा, मेरे दिल में भी। इसकी वजह से तुम्हें क्या लगा ऐसे भेस बदल कर लाओगे तो हम पहचानेंगे नहीं? भाई वो नहीं मिसी बिल्ली बात, तुम्हारे पास क्या प्रमाण है कि वीर नंदा अमर नंदा का पुत्र ही हीरो है? क्या खेल रच रहे हो मेरे पीठ पीछे रॉकी? तुम स्वयं बता दो, अगर हमने स्वयं पता लगाया तो तुम जीवित नहीं बचोगे। गुरुजी, भाई शुक्र कह रहा हूं, आज तक जो किया ना सिर्फ असुरों के लिए किया है, उस हीरो को ढूंढना, वो रिंग का पता करना सब आपके लिए किया है। मम्मी कसम झूठ नहीं बोलूंगा आपसे। क्या किया है तुमने रॉकी? वो गुरुजी मैंने ना दंश को मारा नहीं है। हाँ मेरी बात सुन लो पूरी, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा गुरुजी। मेरी बात सुनो गुरुजी, वो क्या हुआ ना कि मैं उसकी मेमोरीज में जाना चाहता था गुरुजी, मैं जानना चाहता था कि उस दंश ने मौका मिलने पे हीरो को क्यों नहीं मारा। मुझे पता चला गुरुजी कि दंश अमल नंदा जो मेरा फूफा है उसका बेटा हीरो है, वीर। और वीर तुम्हारा भाई है? भाई नहीं है, कजन। मैं तो उसकी बैंड बजाता था, अब तो मैं उसको, अब देख लेना बचेगा नहीं वो। तुमने मुझसे झूठ बोला। नहीं मैं सच्ची कह रहा हूं। तुमने मुझसे झूठ बोला, झूठ बोला। तो तुम कैलाश में थे, मतलब शिवजी वाला कैलाश? क्या बात है यार, मतलब ऐसा लग रहा है कोई साईफाई मूवी चल रही। पर कैलाश पर चढ़ना इज इम्पॉसिबल, तुम कैसे? अरे ज़ाज़ा, अब क्या है ना, बचपन से मैं और बच्ची ना बंजी जंपिंग करना चाहते थे एरोप्लेन के अंदर, मेरा भाई करके आ गया। हाँ हाँ बच्ची, पर ये सब मैंने अकेले नहीं किया, ये इसने करवाया सब मुझसे। हाँ तुम तो रुको, तुम सब बहुत बात करनी है मुझे, समझते क्या हो तुम अपने आप को? What do you think of yourself? अरे ज़ारा, ये नहीं होता तो शायद मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। ये तो मेरा मेंटोर, मेरा गुरु, मेरा गाइड, इसका नाम है शिवाय। नाम याद कर लो, काम आएगा। इसी की वजह से तो मुझे मेरी रिंग वापस मिली है और मुझे पता चला है कि मेरी लाइफ का असली पर्पस क्या है। मैं क्या बोलता हूँ, इसकी ट्रेनिंग के बाद ना मेरे को भी पर्सनल ट्रेन देना। ओके माफ किया, पर मैंने तुम्हें कहीं देखा है। सॉरी, वो मैंने डांट दिया, पर क्यों ना डांटू, तुमने काम ही ऐसा किया है। पर अब सब ठीक है, मतलब इंसान अच्छे हो तुम, बुरे नहीं हो। लेकिन मैंने ये सब कुछ ना फ्री में नहीं किया, तुम दोनों को इसका प्राइस देना पड़ेगा। तुम दोनों को हमारे बारे में पता चल चुका है, बस अब किसी और को हमारे बारे में पता नहीं चलना चाहिए। वीर की आइडेंटिटी बाहर नहीं आनी चाहिए, वीर के बहुत सारे दुश्मन हैं।
अंश, तुम तो पहले से भी अधिक हिंसक हो गए। भयाव, अति उत्तम। सही है ना गुरुदेव? मैंने किलर बना दिया मुझे लग रहा है फूफा जी को। ये स्वयं मैंने खुद किया है। उधर कौन सा प्लेनेट था वो? नाम याद है ना आपको? क्या नाम था? ये मैंने स्वयं खुद किया है जामबार जाके। मायासुर से एक गैजेट बनवाया है स्वयं। सावधान, मेरी जैसी स्थिति किसी के लिए उचित नहीं है। वो चाहे मानव हो या असुर, क्यों तड़पा रहे हो मेरी आत्मा को? छोड़ दो मुझे। मैं नहीं कहता कि जीने दो मुझे, मार दो अभी, पर ऐसा मत करो मेरे साथ, मत करो। नहीं रोके, एक ज्ञानवर्धक बात बताता हूं तुम्हें रॉकी। जी गुरुदेव। इसकी आंखों में कभी मत देखना। मुझसे कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है? देखा गुरुदेव, मैंने कंट्रोल कर दिया स्वयं, बिल्कुल वीडियो गेम की तरह है। अब ट्राई करेंगे। अब जब ये जीवित रह ही गया है, इसे एक सही कार्य के उपयोग में लाना होगा। अच्छा, सुना है दूसरे ग्रह से लोग आए गए लेकिन हमारा काम बढ़ा गए। अब ये मौसम को कौन सी पनौती लग गई? ए रघु, चल घर चलते यार। रघु, रघु, ए रघु, रघु, ए रघु, अरे किधर है? अरे क्या मोड ऑफ? क्या बात है बच्चे! तू करता है ऐसा मेरे साथ? क्या बात है, एकदम सही है यार। बच्ची तुझे पता है कि अब गायब होने के लिए मुझे सिर्फ बोलना है गायब मोड ऑन। किधर है? गायब मोड ऑफ। और बेस्ट पार्ट पता है क्या बच्ची? कि रिंग चाहे जहां कहीं भी हो, ये देख। से मेरे पास चली आएगी। और हम लोग क्या कहते थे बंटू? कि लोग जब हीरो को देखेंगे तो वो सेफ फील करेंगे। हाँ। तो जब गायब मोड ऑफ रहेगा तब ये मास्क। है ना कूल चीज? अब लोग हीरो को एक्शन में भी देख पाएंगे और हीरो की आइडेंटिटी भी रिवील नहीं होगी। लेकिन एक बात मुझे प्रॉमिस कर,
तो ऐसे कहीं जाएगा नहीं यार, और अगर तू जाएगा ना तो मुझे अपने साथ लेकर जाएगा। अरे अगर तुझे अपने साथ लेकर जाऊंगा तो स्वीटी और मीठी का ध्यान कौन रखेगा? हाँ मतलब मैं तेरी जगह लेता हूँ ना यार, एज फैमिली। बस क्या सब कुछ बुलवाएगा क्या? देख वो दोनों ना, वो दोनों तेरे को बहुत मिस किए हैं, तू उनको बोल देना तू वापस आ गया है। नो वे भाई, ये टेस्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और तुझे और जारा को मेरी हेल्प करनी होगी। ऑफकोर्स यार ब्रो, तूने बोल दिया ना, बस काम हो गया। और वैसे भी हीरो की बात कौन टालता है। तुझे कुछ दिखाना है, चल। क्या? चल मेरे साथ, डिस्काइज डिस्काइज। हाँ हाँ हाँ, ये हीरो की बाइक नहीं है मगर बाइक है। व्रूम व्रूम। क्या हुआ? नथिंग। हवा में कुछ है वीर, कुछ है जो अलग है। अरे पता है, हवा से आ रहा है। मुझे ना अब तक बिलीव नहीं हो रहा तुम लोग दोनों चलते प्लेन से कूद रहे। इसका पहली बार था, मैं तो कई बार उड़ते प्लेन से कूद चुका हूँ। अच्छा वैसे एक बात बता दूं। You, my man, are only one man who's got close to him. वरना वो क्या है ना, मैं अपने बच्चे के लिए बहुत possessive हूँ, समझे ना? But मुझे जलेसी नहीं हो रही है, don't worry. यही टाइम है वीर, अब नहीं बोलेगा जारा से कि तू उससे प्यार करता है तो कभी नहीं बोल पाएगा। जारा, मुझे ना तुमसे कुछ कहना था। वीर, मुझे भी तुमसे कुछ कहना था। चलो मेरे साथ। हा? चलो सरप्राइज है, एक स्पेशल सरप्राइज। अरे जारा, पर मुझे हिंट तो दो ना। हिंट एक्चुअली बहुत ही स्पेशल फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड, जिसने बहुत मेरी हेल्प की है गुंडों से बचने में, एलियन से बचने में, हर तरह से। ओ वाह, कहीं जारा का कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं बन गया और अब उसी से मिलवा रही हो? ओ नो, thank you.
कितनी अच्छी लग रही है ये जैकेट तुम पर। ये जैकेट तुम पर ज्यादा अच्छी लगती है। एक्चुअली मैंने देखा था कि कैसे तुम लोगों के दिलों में हीरो को जिंदा रख रही थी। तुम बहुत स्पेशल हो सारा, बहुत अच्छी। और मैं इतनी देर से बोलना चाह रहा हूं पर अब ऐसा लग रहा है जैसे जुबान पे लॉक लग गया हो। कुछ कहा तुमने? नहीं नहीं कुछ नहीं। कम ऑन सारा, कब से वेट कर रही हो वीर का? अब बोलो ना उसे कि आई लव यू। कुछ कहा? नहीं नहीं, मुझे लगा तुम कुछ कह रहे हो। करना वीर, बोलना भाई। मैं बोलूं? मेरे लाल, लुकिंग स्मार्ट। हाँ, कहाँ सही जैकेट? सुनो चलो कुछ खाते हैं। रोड साइड पे ना मैंने अंकल जी को देखा, कमाल की भजिया बना रहे। भजिया में हड्डी तो नहीं डालते? कबाब में हड्डी होता है, भजिया में तो आलू और प्याज ये सब होता है ना। वैसे एक बात बोलूं, ये जैकेट ना हमारे ऊपर ज्यादा अच्छी लगती थी। वीर ने भी यही कहा, पर एक्चुअली ये जैकेट पहन के फाइट करने में ना मुझे बहुत मजा आ रहा था। देखा मैंने, यू फाइट रियली वेल। सिखाया भी तुमने। मैडम प्लीज अंदर चलिए आप लोग। आखिर हुआ क्या है? चलिए आप अंदर, चलिए चलिए बैठिए अंदर। हुआ क्या है सर? अरे कुछ नहीं, रूटीन है, इसको अंदर लेके जाओ। जाओ भिड़े, जाओ जल्दी। जरूर कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है, लोग पैनिक ना हो इसलिए बता नहीं रहे। तो अब हमें यहाँ से निकलना होगा, पता करना होगा कि चल क्या रहा है। तुम सब अंदर ही रहना होगे। वीर, चलती हूँ अभी। नहीं जरा, सही टाइम आने पर है ना मंटू। हाँ प्लीज, तू स्वीटी मीटी का ध्यान रखना। अरे बस क्या बच्ची, अभी कोई बोलने वाली बात है? हाँ मेरी दाढ़ी तो सब बात। वीर टेक केयर। बोल बा, चक्कर क्या है? देखते हैं। मुझे लगता है कोई जंगली जानवर है। इतना बड़ा जंगली जानवर कहां से आ गया? मुझे लगता है कि एलियन वापस आ गए हैं। कुछ तो है आसपास जो घूम रहा है, जो हमें देख रहा है। अरे भिड़े, ये क्या गड्ढा बना है यहाँ पे? सर मुझे भी कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मैं कभी क्या समझ में आता है? बोल बम। भिड़े लाल, ये कोई गड्ढा नहीं, ये तो फुटप्रिंट है। अब समझा, ये जो सन्नाटा था ना, ये तूफान के आने से पहले का सन्नाटा था। और ये जो कोई भी नहीं, इसे पकड़ना आसान नहीं होगा। ये जो कुछ भी है कहीं पे भी हो सकता है। ये लाइट्स कैसे चली गई अचानक? आई गेस पूरे होटल की लाइट गई है। मेन सर्किट बोर्ड ट्रिप हुआ होगा शायद, पर होगा कहाँ? बेसमेंट में होगा शायद। करेक्ट, लेट्स गो। चेक लाइट। जी सर। हाँ इन्वेस्टिगेशन शुरू है सर। हाँ सर, अपडेट करता हूँ मैं आपको। आयो राम आ देवा रे देवा, इंस्पेक्टर साहब ये क्या हो रहा है? अरे आप दोनों बाहर क्या कर रहे हो? आपको बोला था ना मैंने अंदर रहने के लिए रूम में। आप चलिए चलिए मेरे साथ चलिए, आइए। डॉक्टर साहब क्या हुआ, इस जिंदा तो है ये?
अजीब है, मतलब ये लोग जिंदा तो हैं, पर स्टैचू की तरह जम गए हैं। क्या देखा था आपने? भैया वो बहुत बड़ा दानव जैसा था। कैसा दिखता था वो? Do you remember his face? मैंने उसे उस पेड़ के पीछे देखा था और डर के मारे चुप गई थी। पता नहीं क्या घूम रहा है आसपास यहाँ पे। ये लोग बस ऐसे नहीं डरे हुए हैं, जरूर कुछ महसूस किया होगा तभी बोल रहे हैं। कुछ है एबनॉर्मल सा यहाँ पे। स्विच बोर्ड ढूंढते हैं। आई थिंक कुछ गड़बड़ है, हमें यहां से निकलना चाहिए। ये जो भी है इसके कान बहुत तेज है। ये जो भी है अपना अगला अटैक जल्दी करेगा। ये कैसा अटैक है जिसमें लोग स्टैचू बनते जा रहे हैं? चल के देखना होगा। वीर के पास तो फोन ही नहीं है, हम भाटल सर को SOS भेजते हो। वो जरूर रिसॉर्ट के अंदर गया होगा। काम दम। तुमने देखा क्या? मैंने देखा तो उसे थोड़ा सा फेस, थोड़ी सी आंख, बट ऐसे डरे के लिए सिर्फ साइड से। डॉक्टर साहब क्या हुआ इसे? जिंदा तो है ये? मतलब ये लोग जिंदा तो हैं,
पर स्टैचू की तरह जम गए। अन्ना कुछ समझ आया? बाप का? ओके, हम यहाँ से जा तो रहे हैं, लेकिन इतना ध्यान में रहे, अगर तुम मॉन्स्टर के सामने आ भी गए तो वो डायरेक्टली तुम्हारी आंखों में नहीं देखना चाहिए। गॉट इट? गॉट इट। मिला चलो। ज़ारा, अगर कोई भी उसकी आंखों में देखेगा तो वो स्टैचू बन जाएगा। अगर उसे बचना है, उसे देखना है कि वो किस जगह पर है, तो उसे शीशे में या किसी चमकदार चीज में उसकी रिफ्लेक्शन को देखना होगा। गॉट इट? मैं अभी उससे निपटता हूँ। वीर तुम? ज़ारा, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम मेरी फिक्र मत करो। शिवाय, डोंट वरी, आई विल टेक योर ऑफर। तू जा। बेटा वीर बन जा तीर।